लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भरत मल्लू क्या बात है, जाके मुन्ना को लेके अब कहाँ से दूं? क्यों क्या हुआ? अरे माँ और पिताजी मुन्ना के साथ खेल रहे हैं। अरे राम भैया के साथ ससुर आए, अगर प्रिया की गोद में उन लोगों ने मेरी बेटी को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अबे तू सर पे हाथ मत मार, तू जा जा लेके, तू जा लेके, तू जा। ठंडा मतलब तो ठीक चल रहा है ना? अरे माय बेबी, अरे मेरा बच्चा, देख तेरे को देखने के लिए कौन आया है? बड़ी भाभी के मम्मी जा रही है, अंकल ये मेरा बेटा है। यहाँ क्यों ले आए, हम तो वहीं आ रहे थे। अरे एक ही तो बात है अंकल, आप इसको देखने के लिए अंदर चले जाए या ये आपको देखने के लिए बाहर चला है? लाओ भरत मुझे दे दो। हाँ लीजिए। अंकल ये एकदम मुझ पे गया है ना? हाँ तुम पे गया है। हम लोग प्रिया से मिलकर आते हैं। हाँ चलिए चलिए। नहीं 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 प्रिया है नहीं। प्रिया नहीं है? नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं ना ना रही है। ओ ना रही है। मैं भागा ना जाऊँगा। बाबूजी जीते रहो बेटे। माताजी क्या बात है बेटे, इतने घबराए हुए क्यों? घबरा क्या हूँ मैं तो, आप लोग को देख के खुश हो गया। मैं तो डर ही गया था बेटे। बाबूजी आप लोग अचानक किया कैसे? अरे बेटे इसने जिद पकड़ ली थी कि आज ही बेटी को मिलना है, मैंने कहा चलो। बताइए तो आइए 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 अंदर आइए। अरे नाशी बाबूजी यहाँ से कहाँ से जा रहे? अरे बेटे रास्ता तो यहाँ से। नहीं नहीं यहाँ से चलिए ना, यहाँ से शॉर्टकट, यहाँ जल्दी पहुंचेंगे। आइए आइए आइए। देखिए पहुंच गए। प्रिया प्रिया कौन है? प्रिया मैं हूँ। आइए आइए। अरे माँ कैसी है मेरी बेटी? अरे जीती रहो बेटे। अरे भाई वो नातिनी कहाँ है? वाह 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 आई 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 आई। अरे मेरा बच्चा। अरे ले 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 क्या क्या हो रहा है? ले ले बाबूजी बाबूजी आप अपनी बेटी और बेटी की बेटी के साथ खेलिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटे जल्दी आना। बस बाबूजी मैं यू गया और मैं यू आया। क्या यू गया और यू आया मैं पागल? क्या है? मेरा बेटा वापस चाहिए। मेरे बाप कैमरा लेके आए, वो चाहते हैं अपने पोते के साथ फोटो निकलवाएं। अबे तूने बेटा पैदा किया कि सचिन तेंदुलकर पैदा किया है? अपने माँ बाप के साथ फोटो खिंचवा कर टीवी पर रखने वाला है क्या? अरे जाकर मना कर दे उनको। क्या मना कर दूं यार, पागल हो गया तू? कितने दिनों बाद उन्होंने हमको बहू माना है। बात करता है प्लीज समझा करना मेरे यार, बच्चे को लेके मेरे बाप। यार इस आवन जावन से मैं पागल हो जाऊंगा। कुदरत का करिश्मा हो गया इस घर में। अरे मेरा सचिन तेंदुलकर कैसे कैसे मैच खेलने पड़ रहे हैं। हाँ मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं तेरा। आजा आजा दूसरे बीच में चलते, आजा 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 आजा। डैडी आजकल भरत कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। जब से बेटा पैदा हुआ ना ये खुशी से पागल हो गया है। ओ अच्छा। ये ले भाई ये ले तेरा सचिन तेंदुलकर। क्या क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं लाइफ में मेरा दिल ही जानता है। मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं तेरा, जा। ये भी आ गए, इसको यहाँ रखा हुआ, इसको यहाँ रखा हुआ, बच्चा वहां एक अंदर है, इसको कहाँ रखूं? पिछले चार पांच दिनों से खुशी खुशियां मना। अरे समधी जी आइए आइए, हम आपकी बात कर रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। जी नहीं, ये जगह हम जैसे इज्जतदार लोगों के बैठने के लायक नहीं है। बच्चे को देख के फौरन यहाँ से चले जाएंगे। आओ बेटी आइए आइए। कड़क जी मेरा मतलब अंकल जी आइए आइए, लेकिन बच्चों को देखने के लिए अंदर आने की तकलीफ क्यों उठा रहे? मैं अपने बेटे को बाहर लेके आता हूँ ना। तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, हम खुद चल के बच्चे के पास चले जाएंगे, यही हमारी रीति रिवाज है। लेकिन अंकल अंकल जी आइए 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 अंदर आइए 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 आगे। नमस्कार। अच्छा तो आप लोग भी यही हैं? आइए। आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं बेटे। बाबूजी मेरा नाम है रमाकांत सिन्हा और ये है मेरी मजली, ये है मेरी बेटी उषा। भरत का जो बड़ा भाई लक्ष्मण है उसी से इसकी शादी हुई है। नमस्ते। ये मेरी भाभी है। हाँ क्या कमाल, ये दोनों इसकी बच्चियां हैं। बाकी की दो जुड़वा मेरे घर पर है। हाँ हाँ देखिए ना पिताजी
भरत तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। अरे भाई बेटा नहीं बेटी। बेटी हाँ। लेकिन लक्ष्मण ने तो कहा था कि बेटा पैदा हुआ। हाँ, हाँ। उन्होंने ये भी बताया कि बेटे का नाम कृष्णा रखा है। तो कृष्णा ही तो है, लगता लच्छू भैया ने इनको सब कुछ बता दिया। अरे कृष्णा ही तो है, कृष्णा माय बेबी दरअसल क्या है ना बाबूजी, परसों से हमारे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, तो हम लोग बेटी को बेटा कहकर पुकार रहे हैं। अरे मुने ने सुसु कर दिया। ओ सुसु कर दिया। सुसु मैं चड्डी बदल देती हूँ। अरे नहीं 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 भाभी ऐसा मत कर रहा था। क्या है ना भाभी, किसको नंगा रहना पसंद नहीं है, मेरा बच्चा है ना एकदम मुझ पर गया है, मुझे भी नंगा रहना पसंद नहीं है। बेटे ये गीले कपड़ों में रहेगा तो दाने निकल आएंगे। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं इसकी चड्डी बदल लेता हूँ। अरे बेटे औरतों का काम तुम करोगे, सावित्री को दे दो ये बदल देगी। अरे बाबूजी बच्चा मेरा है, चड्डी मैं ही बदलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। कब आए आप? अभी थोड़ी देर हो गई, आप दिखाई नहीं दी, कहाँ थी? अपने कमरे में थी, जरा सिर दर्द हो रहा था। आप बाहर आई हैं, दूसरों को सर दर्द शुरू हो जाएगा। पिताजी आप चुप रहिए ना। अरे मना 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 अरे बोला मना 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 मना। अरे छोटे तू वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ मम्मी। अरे इसका पागलपन तो देखिए, बच्चे की चड्डी भी नहीं बदलने देता। ला मुझे दे मैं बदल देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी मैं बदलूंगा, नहीं मम्मी मैं बदलूंगा, नहीं मेरी सीट मैं बदलूंगा, मैं बदल देती हूँ बेटा। अच्छा कौन बदलेगा? मम्मी बदलेगी, दादी बदलेगी के पापा बदलेगा? पापा बदलेगा, ओ पापा बदलेगा, हां पापा बदलेगा। अरे भागो मोहन प्यारे भागो, इधर से भी भागो, अरे भागो भागो। अबे मल्लू हाँ जल्दी से मुन्ना को लेकर आ। क्या है? अबे डेंजर डेंजर, ठहरा दो। राम भाई आप, मैंने प्रिया को चोरी छुपे मुलायम के रूम में जाते हुए देखा। अरे हाँ, हाँ? मैंने भी हेमा को भरत के रूम में कपड़े बदलते हुए देखा। आपने भी देखा? हाँ। ओ जी 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 जी, हम लोग अगर फॉरेन में रह रहे होते तो कोई बात नहीं थी, वहाँ तो बीवियों की अदला बदली चलती रहती है, लेकिन हमारे भारत जैसे देश में, वो भी हमारे खानदान में, हाँ? जिसकी इज्जत का डंका सारे मोहल्ले में बजता है। भैया कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है भैया, मैं चला मरने। ए, रुक, 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 रुक। सुन, तेरे मरने से कलयुग सतयुग में नहीं बदल जाएगा। नहीं बदलेगा? नहीं। तो मरना कैंसर। भैया वो देखो राम भैया, प्रिया तो मुलायम के रूम में चली गई। हाँ इसका मतलब हेमा भरत के रूम में होगी। जाकर मम्मी को बता देते हाँ। और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते। चलो आइए मम्मी। अरे क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? आइए तो सही, जाना कहाँ है? अरे हमारे साथ भरत के कमरे तक तो चलिए ना। वहाँ चलोगी तभी तो पता चलेगा ना आपको। हेमा हेमा, ओह आई एम सॉरी, बच्चे को जल्दी से पालने में रख दो, माँ आ रही है। आइए। क्या करना जा रहे हो तुम लोग? देखिए ये देखिए, इससे पूछिए ये यहाँ हाँ, क्या कर रही है, पूछिए। हाँ हेमा तू यहाँ क्या कर रही है? बच्चे को संभाल रही हूँ माँ जी। क्यों प्रिया कहाँ है? पूछो पूछो प्रिया कहाँ है? है? प्रिया नारी नारी है, नारी है, नारी है। प्रिया नहाने गई है, नहाने गई है माँ जी। झूठ झूठ बोल रही है ये, झूठ। प्रिया 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 जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे तू जल्दी आ तो सही, जल्दी से बाथरूम में घुस जा हाँ, और अपने बाल ना गीले कर लेना हाँ, और जैसे राम और लखन भैया दरवाजा खटखटाना जोर जोर से चिल्लाना ओके हाँ, आ जा जो घुस जा घुस जा, आ जाने दो दोनों को, दोनों बहुत होशियारी मारते हैं ना, आज दोनों को देख लेता हूँ मैं। आइए आइए अभी पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। आइए। हेमा झूठ बोल रही थी, मैं अभी अभी यहाँ से गुजरा था, तो बाथरूम में प्रिया नहीं थी। अरे तो दिखा देना। अरे दिखाता हूँ ना, डरता हूँ क्या? कौन है अंदर? कौन है, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या चाहिए? मैं नहा रही हूँ। नहा रही प्रिया? क्या हो गया, क्या हो गया? मम्मी भैया आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रिया क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी, डरावनी आवाज में? मैं नहा रही थी और जेठ जी दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या
राम राम राम, छी 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 छी, क्या जमाना आ गया। देखा मम्मी, अब तो इस घर में बहुआ बनाना भी मुश्किल हो गया है। ये ऐसे ऐसे भाई मिले हैं मुझे। बहू नाती कैसे है ये दिखाने लाया था? नहीं नहीं मम्मी, शर्म नहीं आती तुम लोग को ऐसी हरकत करते हो? हाँ, 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 जो फिर दिखे तो। मैंने मैंने अपनी आंखों से देखा था, प्रिया वहाँ नहीं थी। कमाल करता है यार, एक तो बीवी की अदला बदली करता है, ऊपर से मम्मी को हमारे खिलाफ भड़काता है, थप्पड़ भी खिलवाता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ने के बाद में तू चल। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं जानती हूँ क्यों जलते हैं तुझसे। क्यों? तुझे बेटा हुआ है ना, इसलिए। ओ ठहरो, अब मेरी समझ में आया, आप लोग मुझे मस्का मार रहे हो। जरूर आपको कोई काम है, बोलो क्या काम है। किसी को बताएगा तो नहीं, इस घर में अदला बदली का खेल चल रहा है। हुँ? हुँ? और हमें इस खेल का भांडा फोड़ना है, दुश्मन को रंगे हाथों पकड़ना है। इसलिए हमें तुम्हारी आंखें चाहिए। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं अपनी आंखें। तुम लोग मिठाई खिलाकर मुझे अंधा बना रहे हो, ले जाओ अपनी मिठाई को। अरे वाह, आज मेरी आंखें मांग रहे हो, कल मेरी किडनी मांगोगे? पागल है क्या हम लोग? तेरी किडनी लेके क्या करेंगे अबे गधे? हम तेरी आंखें नहीं, आंखों से पहरेदारी चाहते हैं। बोलो कहाँ करनी है पहरेदारी? अपने ही घर में। हाँ, तुम्हें ये देखना है घर से बाहर कौन जाता है और बाहर से अंदर कौन आता है। थाली की अदली बदली करते हुए अगर कोई उन्हें देख ले, वो तो खून की उल्टियां करते करते मर ही जाए। बच्चा लाल का बच्चा बाप बनने के लिए आगे बढ़ा था, अभी देखा सुबह तक खड़ा नहीं होगा साला। थके हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा लाल। बच्चा लाल, बच्चा लाल, बच्चा लाल, बच्चा कहाँ गए? अरे बच्चा लाल, लगता है मिठाई खा के मर गया। बच्चा लाल, ए बच्चा, क्या ए बच्चा, बच्चा बूट 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 हम भैया, तो भैया आप, मैंने रात को देख लिया। देख लिया हम, देख लिया। देख बच्चा, तूने जो कुछ भी देखा है हमें साफ साफ बता दे। क्या? यही बात मम्मी को भी बता देना। बता दूंगा। मैंने साफ साफ देखा कि रात में दो गंधर्व हाथ में थाली लिए अदला बदली कर रहे थे, फिर अचानक वहां पर धुआं उठा, आग के लपटे लप लपाई और मैं बेहोश हो गया। राम भैया, ये गधा क्या बकरा है? लच्छू, गधा ये नहीं है, गधे हैं हम, जो हमने इसे ये काम सौंपा। ठीक ठीक है, आइंदा आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ना, फिर आपको देख लूंगा। क्या हुआ बहू? मुन्ना रो क्यों रहा है? मालूम नहीं माँ जी, बहुत रोए जा रहा है। अरे शायद भूख लगी होगी, दूध पिला दे। अभी तो दूध पिलाया माँ जी। अरे ला दे तो। अले अले, नहीं बाबा, नील होने का नहीं, लगता है किसी की नजर लग गई इसे। का हो गया मेरे बच्चे को? वहाँ का नहीं बिच्छू, नहीं लोने का नहीं। माँ जी क्या हुआ मुन्ने को? पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बहुत रो रहा है। बच बच। माँ जी मैं देखूं क्या? देख तो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ इसे? अले ले मेरा मुन्ना, चुप हो जा। ओ चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा राजा बेटा। पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं उसके पेट में तो नहीं दर्द हो रहा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो शुक्र है। भैया भैया, कुछ पकड़ में आया? अभी तक तो तेरी पकड़ में मेरा हाथ आया, मेरी पकड़ में कुछ नहीं आया। क्या है? बात हाथ की नहीं है तो? बात बात की है। अच्छा, ए माँ आई? आई, बच्चे को कमरे में ले गई। गई? बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। क्यों? कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा? कुछ तो दिया होगा,
क्या दिया होगा यार? क्या भैया, आप भी बात कान में बतानी होगी। किसके? हाँ मेरे 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 कान में। हाँ लेकिन हेमा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? यही तो पता लगाना है। ये मेल मेल ये मेल प्रिया भटनागर फीमेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। अपना शक सही निकला है। हेमा को लड़का हुआ है और प्रिया को लड़की। बस इतना ही काफी है भरत की अयोध्या में आग लगाने के लिए। तो क्या जाते के साथ ही मम्मी को बता दे? सिर्फ बताना ही नहीं, भरत और मुलायम को नचाना भी है। चल अबे ओ भरत के 1 करोड़ रुपए के लॉटरी के टिकट तू यहाँ आराम से लेता है और हम खैर। राम भैया कितना छोटा बच्चा है, इतने जोर से क्यों नोचा? देखो कितना रो रहा है। अरे अगर बच्चा जोर से रोएगा नहीं तो हेमा कैसे आएगी, और जब हेमा नहीं आएंगी तो हम माँ के सामने राज कैसे खोलेंगे? अरे रे रोमन रोमन मेरा राजा बेटा, राजा बेटा ना 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 नहीं रोते बेटा। क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ? मम्मी डैडी आप लोग आइए 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 दिखाना मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है। आइए आइए चुप करके देखिएगा। देखिए लोग मेरे बेडरूम में झांक रहे हैं। लच्छू राम ये क्या हो रहा है? नहीं हम लोग ये खिड़की को पेड़ कौन सा लगा ये सोच रहे थे। नहीं ये चुप करो, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? बेशर्मा भाभी के कमरे में झांकते हो, भाभी के कमरे में। हाँ दोबारा मैंने फिर कभी देखा तो तुम यूं क्यों हो? बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या है? ये भरत है ना, ये भरत तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तू समझ रही है ना, हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है वो गलत है। एक्चुअली हमारे घर में लड़का पैदा हुआ नहीं है। क्या हुआ इन्हें? तुम्हारा मतलब है हमारे घर में जो है वो लड़की है? नहीं नहीं वो लड़का ही है, लेकिन वो भरत और प्रिया का नहीं है, मुलायम और हेमा का है। व्हाट नॉनसेंस, क्या आराम चला बाकी जा रहे हैं आप लोग दोनों? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर ढोंगी। हम अस्पताल से सब कुछ पता कर आए हैं। मम्मी ये लोग दोनों मुझसे जलते हैं ना, इसलिए दुनिया भर की कहानियां बना रहे हैं। नहीं मम्मी मैं साबित कर सकता हूँ। हाँ जाओ जाओ यहाँ से। आ रही है। हमारी बात पर किसी को भरोसा नहीं है ना, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्या हुआ मुन्नी को? पता नहीं बहुत रो रहा है। ला मैं देखती हूँ। बच्चे को हाथ नहीं लगाना, ये हमारे घर का बच्चा है, तुम्हें इससे क्या लेने देना है? बच्चा किसी का भी हो उसे चुप तो कराना चाहिए ना। उसे चुप कराने के लिए घर की सारी फौज खड़ी है, तुम जाओ यहाँ से। ये हमारा भतीजा है, अगर ये रोता है तो इसे रोने दो, इसे हम संभालेंगे। अब जाओ यहाँ से। अभी तो आपकी समझ में आया ना, अब मैं आपको आपकी पोती से मिलवाता हूं। राम भैया क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे को लेकर कहां जा रहे हैं आप? ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये भरत की बेटी है। तुम्हारा सब नाटक मुझे मालूम है। क्या कर रहे हैं आप? चल हट। अरे रामी बात सुनिए। मम्मी अरे सुनिए। मम्मी अरे क्या है? मम्मी 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 ये रही तुम्हारी पोती, ये लो। हटा इस मनहूस को। मेरे बच्चे। ये गुड़िया मेरी पोती है? ये गुड़िया वो चंपा चंपा चंपा
बच्चा बच्चा पालने में? पालने में नहीं है। मल्लू मल्लू मेरी बेटी का, मल्लू बोल रहा है मेरी बेटी। हाँ कहीं तुम्हारे भाई ने तो भैया मेरी बेटी का मुझसे क्या पूछता है, वहीं पे होगी। भैया मेरा हाथ उठ जाएगा, मुझे सीधे तरह से बता दो मेरी बेटी कहाँ है। अरे मुझे क्या मालूम है, जाके ढूंढ लेना। भैया बता दीजिए वरना। भारत छोड़ दे इसे। इतने दिनों से हम सबको बेवकूफ बनाता रहा, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? किसकी अकल थी ये नाटक खेलने की, तेरी या तेरी बीवी की? क्या ये चिट्ठी है? चिट्ठी पढ़ो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही पुलिस में खबर करना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। आपकी बेटी कौन हो सकता है? मनु तेरे घर में फोन की घंटी बज रही है। हेलो कौन बोल रहा है? रघुवीर यादव नाम है मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो चाहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इस वक्त मेरे कब्जे में है। बच्चा तुम्हारे कब्जे में? हराम दादे वो मेरा बच्चा है। तुम कौन हो? मैं भरत भटनागर बोल रहा हूं, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार लूंगा। हेलो हेलो छुरा। हुक्म कीजिए सेठ जी। तुम जिस बच्चे को उठाकर लेकर आए हो वो उस जासूस का नहीं है, उसके दोस्त का है। You're wrong. तलवार सिंह छुरे ने खुद उस जासूस के घर से उस बच्चे को किडनैप किया है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नहीं यही हुआ है। अगर तुम उस जासूस के बच्चे को उठाकर नहीं लाए तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। सेठ जी आपको मालूम है मैं सर अलग टाइप का आदमी हूँ। जाओ। ओके ओके ओके। अरे क्या करें, सब लोग बच्ची को ढूंढ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पुलिस की मदद से बच्ची को ढूंढा जाए। हाँ कोई जरूरत नहीं है, इस घर से उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, उधर बच्ची की जान खतरे में और क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा वो उसे मार डालेंगे यही ना। वैसे भी वो इस घर में रहने के काबिल नहीं थी, मर ही जाए तो अच्छा है। गाय जैसा मेरा बेटा था उसे भी बिगाड़ के रख दिया, सत्यानाश जाए उसका। अरे ऐसे कीड़े पड़ेंगे। क्या कहा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, बचा बच्चा ना, बच्चा मेरे को दे मुझे। प्रिया छोड़ दो इसे। प्रिया होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? ये मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को। देखा छोटे, ये मुझे जान से मार डालना चाहती है। मैं कहती हूँ ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने भिजवा दीजिए। पागल ये नहीं, पागल तुम हो गई हो, पागल खाने तुम्हें भेज देना चाहिए। पिताजी देखा आपने, इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। शाबाश बेटा, आज बना है तू मर्द, अब जवाई बना है मेरा, जीते रहो। आज तक इस घर में मैं सर झुकाकर जीता रहा ताकि इस घर की शांति बनी रहे, लेकिन तुमने तो मुझे नामर्थ ही बना दिया था। आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जो आदमी सर झुका लेता है वो नामर्थ नहीं हो जाता। भरत और प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया, कसूरवार तो मैं हूं,
अस्पताल में जब मैंने भरत के हाथ में उस बच्चे को देखा तो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसके हाथों से उस बच्चे को छीन लिया। ये भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। तुम्हारी जिंदगी तो बच गई लेकिन इन बेचारों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। मैं पूछता हूं क्या फर्क है बेटा और बेटी में? आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती? दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। अरे बेवकूफ, आज मैं तुझे बताता हूं बेटा और बेटी में क्या फर्क होता है। सन इज द सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, डॉटर इज द डॉटर टिल द एंड ऑफ लाइफ। बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, बेटी जिंदगी भर बेटी रहती है। आजकल के युग में बेटियों को बोझ नहीं माना जाता। वो मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत रखती है। ऐसा कौन सा काम है जो एक बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती? दुनिया की तुम पहली औरत हो जिसे औरत जात से नफरत है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। चुप, रोया तो दांत तोड़ दूंगा। मैं जरा अलग टाइप का अंकल हूं। अबे छोरा, ये क्या किया तूने? इतने सारे बच्चे क्यों उठा के लेके आया? सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं जरा अलग टाइप का आदमी हूं। अब तलवार सिंह छुरा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। मैं खुद पता कर लूंगा कि इन बच्चों में जासूस का बच्चा कौन सा है। अच्छा, इन बच्चों को पूछकर बताएगा? नहीं सेठ जी, मेरे पास एक बच्चा और है। ए, बच्चे को लेकर आओ। चुप, दांत तोड़ दूंगा। चल बताओ उस जासूस का बच्चा कौन सा है? पालने में है। वो तो मैं भी जानता हूँ लेकिन कौन सा है? बताता हूँ ये झूठ बोला, नाक काट दूंगा। ये नहीं है, ये उधर उधर ये है। ये ठीक से देख। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। ले जाओ इसको, बंद कर दो डंबल खोली में। कब से कह रहा हूँ पुलिस में कंप्लेंट करो, मेरा कोई सुनता ही नहीं। करूँ तो क्या करूँ? देखो छोटा गया ढूंढने, वो ढूंढ कर लाएगा। धीरज रखो, बच्चे मिल जाएंगे। सेठ जी, अब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब तक हमें ये पता नहीं चला है कि इनमें से जासूस का बच्चा कौन सा है। लेकिन मेरे पास एक पैंतरा है। क्या? हमारे पास एक बच्चा और है, यानी कि बच्चा लाल। हम उस बच्चा लाल को यहाँ से फरार होने का मौका देंगे। वो जाएगा अपने घर और इन बच्चों के बापों को अपने साथ यहाँ लेकर आएगा। फिर हम चुप जाएंगे। जब वो अपने अपने बच्चों को उठा रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनमें जासूस का बच्चा कौन सा है। कैसी रही तलवार सिंह छुरा की धार, यानी कि आइडिया। राम भैया, राम भैया, लक्ष्मी भैया, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? मुझे मालूम है बच्चे कहाँ हैं। बच्चे मुझे मालूम है, चल भाई मेरे साथ। चलो चलो सेठ जी, सेठ जी, सब लोग आ गए। सेठ जी देखा मेरे कमाल का आइडिया? ए बॉयज, कमाल, छुप जाओ। ये क्या हो रहा है छुरा भाई? ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह? हाँ। तो फिर मैं अभिमन्यु बन के इस चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में मर गया था। चलो चलो रुक जाओ। तुम सब लोगों को अपने अपने बच्चे मिल गए। चलो 9-2-11 हो जाओ यहां से, चलो। लेकिन ये जासूस यहां से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर किसी ने भी इस जासूस को बचाने की कोशिश की
तो ये छुरा एक एक पेट में घुसार दूंगा। ए जासूस तू हिलना नहीं, ब्लैक शर्ट चल तू निकल। हाँ हाँ जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। मैं अबे चल ना अपना काम कर, हम लोग अपना बच्चा बचाएंगे तुझे बचाएंगे। चल 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 चलो। साला तू क्या समझता था बच्चों की अदला बदली करके तू मुझे चूना लगाएगा? अरे मेरा नाम रघुवीर यादव है यादव। ला बच्चा ला। नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ बच्चा ला। अरे छोड़। अरे ये तो गुड़िया है, मेरे साथ धोखा। पकड़ो उन सबको, कोई भाग नहीं ना पाए। जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। राम भैया आप बच्चों को लेकर चलिए, मैं मल्लू को देखता हूँ। हाँ क्यों क्यों? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो सोच। लबड़ा लबड़ा लबड़ा, अबे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गया। मैं वहां क्या खा रहे हो? करमचंद जासूस गाजर खाता था, मैं मुलायम चंद जासूस हूँ, मूली खाता हूँ, घुसेड़ता भी हूँ। अभी तो मैंने मुंह में घुसेड़ा है, आइंदा मेरे को मिला ना तो मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना, समझे? इसमें कौन था? मैं। तू था? ऊपर से माइकल कट और अंदर से सफाचट। डैडी गोली मार इसको। नहीं, इस जोकर के लिए मैं गोली जाया नहीं करूंगा, इसको मैं आगे से नहीं पीछे से मारूंगा। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, मेरे जासूस नंबर। चल 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 जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। दुर्गा देखो सब बच्चे आ गए। और चलो चलो शाबाश 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 शाबाश। चलो 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 शाबाश चलो चलो। क्या बात है बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो गए? चलो तुम भी अंदर चलो। नहीं डैडी, अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? मम्मी को पोता चाहिए था ना, और हम लोग उन्हें पोता नहीं दे सके,
और वैसे भी जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं हो, अब हम दोनों वहां नहीं रहना चाहते। बस बेटा बस, मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। मैं तेरे पास मम्मी हूँ। क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। आज से मेरी ये गुड़िया अपनी दादी के साथ रहेगी। राम भैया, शोभा भाभी घर के पिछवाड़े उल्टियां कर रही है। क्या? हाँ। लगता है भगवान ने मेरी अपील सुन ली। मम्मी, इस बार जरूर लड़का होगा। लड़का हो या लड़की, अब मेरे लिए दोनों बराबर है। मुझे पता चल गया है कि बेटी नंबर 1 होती है। अरे ये हुई ना बात।